सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल नीचे लवर संजू में। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों के साथ इन प्यारे से सुंदर हरे भरे खेतों से और सूरज की निकलती हुई सुंदर किरणों से। अभी सुबह की 7 बज रहे हैं और अभी मैं निकला हूँ अपने घर से टहलने के लिए खेतों की ओर। तो आप सभी एंजॉय करिए यहाँ के खूबसूरत खेतों, हरे भरे खेतों और शांत वातावरण का जो माहौल है उसका आप सभी लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पे देखिए ये है बीन्स की खेती जो कि अभी छोटी छोटी हो रही है और ये मेरे सामने है गेहूं की खेती जिसपे अभी बाली जो है वो हरी हो रही है। कुछ टाइम बाद लगभग 15-20 दिन बाद यह रेडी हो जाएंगे कटने के लिए। उसके बाद मशीन में जाएंगे, उसके बाद गेहूं निकाले जाएंगे और उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है गेहूं का आटा ही बनता है। तो ऐसी कुछ होती है गेहूं की खेती। ये जो गेहूं है इन पे अभी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये अभी कच्चे हैं। ये यहाँ पे कुछ राई के पौधे जो कि अभी धूप से सूख गए हैं। यहाँ पे सहतूत का एक छोटा सा पेड़ जो कि रेशम के कीड़ों के लिए मुख्य रूप से एक मुख्य भोजन होता है और बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिन लोगों को जो रेशम का जो काम करते हैं उन लोगों को पता होगा इसमें जो शहतूत लगती है वो हमारे खाने के काम भी आती है जो बहुत टेस्टी और अच्छी होती है। ये तभी खाली है और यहाँ चारों ओर आजकल गेहूं की ही खेती हो रही है। ये हमारी गर्मियों की मौसम की जो फसल मुख्य रूप से होती है। पहले बताया था एक जो छोटा पेड़ था शहतूत का और यहाँ पे जो पेड़ है ये है बड़ा पेड़। इस पे आप देख सकते हो ये है शहतूत लगी हुई जो कि पक भी गई है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, एक शहतूत ऐसी होती है कुछ, आप सबको भी पता होगा। खेतों से आगे की ओर यहाँ पे देखिए एक बहती हुई सुंदर सी नहर और मेरे आसपास चारों तरफ शांत वातावरण, पेड़ों के बीच में सुबह सुबह एक अलग ही फीलिंग होती है गाइस, जैसा कि अभी मैं फील कर रहा हूँ। ये जो तूत होती है ना शहतूत, इसे मैं आपको तोड़ के बताऊंगा। ये देखो ये तोड़ी मैंने, जैसे हाथ में लगी ना तो ऐसा लगता है कि ये खून होगा हमारे हाथों पे, ये रेड रेड, पर सच्ची में आप लोगों ने भी खाया होगा, ये बहुत टेस्टी होता है। बहुत सारे पेड़ है तूत के ना, शहतूत, शहतूत को हमारे यहाँ हमारी भाषा में तूत कहा जाता है। ये देखिए और सारे भरे पड़े हैं शहतूत से, वो भी पकी हुई, बहुत सुंदर। ये देखिए खूबसूरत वाइब देखिए, ये हमारी नहर और उसी के पास में हरी भरी खेती, वाह गजब गजब। और इसी के पास में हमारा रास्ता और हरे भरे पेड़। पे अभी कोर लगनी स्टार्ट हो गई है और कुछ समय बाद इन पे भी आम लगेंगे। आप मेरे आगे देख रहे हो ना,
ये पूरा आगे आम का बगीचा है, सुंदर बगीचा। और आप ये मेरा हाथ देख रहे होंगे रेड रेड हो रखे, जैसे खून लग रखा है। तो ये वही सहतूत से हुआ है। ले ले कहाँ जा रहा है? उम्मीद है आप सभी को मेरी यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।